हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कंसेप्ट टेक्नोलॉजी क्लासेज में। आज मैं जगत गुरु रामानंदाचार्य राजस्थान संस्कृत विद्यालय जयपुर के शिक्षा शास्त्री एग्जाम फॉर्म को कैसे भरना है इसके बारे में संपूर्ण जानकारी देने वाला हूँ। पूरी प्रोसेस बताऊंगा, स्टेप बाय स्टेप भर कर समझाऊंगा और फॉर्म भर कर भी बताऊंगा। ठीक है दोस्तों, तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। इसमें मैं रजिस्ट्रेशन से लेकर फीस भरने तक की संपूर्ण जानकारी बताऊंगा, कौन सी वेबसाइट है, फॉर्म किस प्रकार भरना है, सब कुछ समझाऊंगा। तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। शुरू करते हैं इस वीडियो को, लेकिन इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा, क्योंकि इसी प्रकार के एजुकेशनल और इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं अपलोड करता रहता हूं। और मेरे वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आपको सबसे पहले वीडियो का नोटिफिकेशन प्राप्त हो। तो शुरू करते हैं आज के वीडियो को फॉर्म भरने की प्रक्रिया से। जैसा कि आप लोग मेरी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, मेरे गूगल क्रोम खुला हुआ है। इसमें आप स्क्रॉल डाउन करोगे, देखिए ये गूगल क्रोम खुला हुआ है। सबसे पहले आपको गूगल क्रोम में जाकर क्या करना है, जो थ्री डॉट दिख रहे हैं ठीक है, इस पर क्लिक करना। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे और थोड़ा स्क्रॉल डाउन करोगे तो आपको डेस्कटॉप साइट का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करना। डेस्कटॉप साइट करने से ये होता है दोस्तों, जो लैपटॉप और कंप्यूटर में जैसे स्क्रीन खुलती है वैसे ही हमारे मोबाइल में भी खुलेगी ठीक है। तो उसके बाद आगे शुरू करते हैं। सबसे पहले गूगल क्रोम में जाना है और लिखना है jrrsuraj.com, यह कि ये लिखना है आपको HD ठीक है, कुछ भी अलग लिखा तो नहीं खुलेगा। फिर ये सबसे पहली वेबसाइट आ गई jrrsuraj.com ठीक है, इस पर आपको क्लिक करना। जैसे मैं इस पर क्लिक करूंगा तो मेरे सामने कुछ इस प्रकार का यूजर इंटरफेस खुलेगा, जिसमें तीन ऑप्शन खुलेंगे जो आपको सामने दिख रहे होंगे, एग्जाम फॉर्म, एडमिट कार्ड 2020 और रिवोल्यूशन। हमको एग्जाम फॉर्म भरना है तो हम एग्जाम फॉर्म पर क्लिक करेंगे, तो एग्जाम फॉर्म 2021 पर क्लिक करना है और हमारे सामने कुछ नया इस प्रकार से इंटरफेस खुल जाएगा, जो फॉर्म भरने की प्रक्रिया का शुरू होगा ठीक है। तो इसमें सबसे पहले आपको क्या करना है, कैटेगरी सिलेक्ट करनी है। कैटेगरी में रेगुलर हो या ठीक है, तो रेगुलर हो तो रेगुलर करना है, वरना एक्सटेंडेड तो एक्सटेंडेड। यूजी पीजी क्या है ना, तो यूजी है ना पीजी, तो आप क्योंकि शिक्षा शास्त्र बीएड में आता है तो इसको बीएड सिलेक्ट करेंगे हम ठीक है। जैसे हम बीएड करेंगे फिर वापस क्लास टाइप भी वापस बीएड करना है ठीक है। जैसे आप बीएड सेलेक्ट करेंगे तो जगह तरीका लिखा जाएगा शिक्षा शास्त्री फर्स्ट ईयर बीएड एग्जाम 2021 ठीक है। अगर आप सेकंड ईयर तो सेकंड ईयर पर क्लिक कर सकते हैं, अगर फर्स्ट ईयर है तो फर्स्ट ईयर पर ठीक है। तो मैं फर्स्ट ईयर पर कर रहा हूँ ठीक है। उसके बाद सिलेक्ट बैंक, मतलब किस बैंक के द्वारा भुगतान करेंगे फीस का, तो मैंने लिख दिया यहाँ पर SBI बैंक ठीक है। उसके बाद एग्जाम फॉर्म 21/2020 लिखा हुआ है, इस पर क्लिक करना ठीक है। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो ये खुल चुका है। अभी प्लीज सेलेक्ट आर यू ऑलरेडी एनरोल्ड ठीक है, तो आगे हम सेलेक्ट कर लेंगे। तो यहाँ सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, नेम ऑफ स्टूडेंट, तो नेम ऑफ स्टूडेंट मतलब इंग्लिश में लिखना है आपको, कैपिटल लेटर में ही लिखना ठीक है। पहले इंग्लिश में लिखना है, हिंदी में नहीं, हिंदी में बाद में हिंदी में भी लिखना है, पहले इंग्लिश में लिखना है। तो सबसे पहले नेम लिख दिया, राकेश सिंह ठीक है, नाम आ गया। उसके बाद नेम हिंदी में चाहिए तो हिंदी में लिखो, यहाँ पे हिंदी में लिख देंगे, यहाँ पे राकेश सिंह ठीक है, हिंदी में भी लिख दिया। फिर फादर्स नेम इंग्लिश में लिखना पड़े, फादर नेम लिख दिया इंग्लिश में, फिर फादर नेम वापस हिंदी में भी लिखना ठीक है दोस्तों। फादर नेम हिंदी में भी आ गया ठीक है दोस्तों। इसके बाद मदर नेम लिखना है इंग्लिश में, पहले इंग्लिश में लिखना फिर हिंदी में लिखना, तीनों हिंदी में। अगर आप नहीं लिख सकते तो हिंदी टाइपिंग बोर्ड के लिए डाउनलोड कर सकते हैं ठीक है, अपना आ जाएगा। मदर नेम इन हिंदी, अब हिंदी में लिखना है, ये हिंदी में लिख देंगे। तो मैंने तीनों के नाम, मतलब हमारे नाम, हमारे माता पिता का नाम इंग्लिश में भी लिखना और हिंदी में लिखना, जैसा लिखा हुआ है उसके सामने हिंदी का और जो इंग्लिश का लिखा हुआ उसके सामने इंग्लिश का ठीक है दोस्तों। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे सिलेक्ट करना जेंडर, तो सबसे पहले जेंडर सिलेक्ट करो, जेंडर आप मेल हो फीमेल जो भी हो उस पर सिलेक्ट कर लो। कैटेगरी, कैटेगरी आप जो भी हो, मैं जनरल हूँ तो मैं जनरल सेलेक्ट कर रहा हूँ। संस्कृति आएगा यहाँ ऑप्शन, क्योंकि संस्कृत विश्वविद्यालय है ठीक है। उसके बाद अगर आप हैंडीकैप्ड हैं तो यस करना, वरना नो, मैं नहीं हैंडीकैप्ड नहीं हूँ तो मैंने नो कर दिया यहाँ पे ठीक है। रेगुलर स्टूडेंट रेगुलर हो तो रेगुलर ही, रेगुलर मैंने हमने पहले ही सेलेक्ट कर लिया था वहाँ पर, इसलिए ठीक है वहाँ ही सेलेक्ट करना रेगुलर हो यानी। उसके बाद यहाँ डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करनी है, डेट ऑफ बर्थ आपकी जो भी है वो सेलेक्ट कर लो। जैसे कि मैं अपनी डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर रहा हूँ यहाँ पे, मैं अपनी डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर रहा हूँ, आपको भी अपनी डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर देनी है। जैसे आप डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर दोगी उसके बाद आपको क्या करना है, अपना एड्रेस लिखना है। जैसे मैंने लिख दिया जवाहर नगर पाली, फिर राजस्थान पाली 300-400-401, ये आगे पिन कोड, एड्रेस, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, पिन कोड, ये सब लिखना अपने डिस्ट्रिक्ट का, फिर ईमेल आईडी जो भी आपकी और मोबाइल नंबर ठीक है। फिर यहाँ लिखना है आधार नंबर, जो मैं यहाँ टाइप कर रहा हूँ, आप ध्यान से देखते रहिए। तो मैंने अपना यहाँ आधार नाम, आधार नंबर टाइप कर दिया। उसके बाद, इसके बाद क्या बोल रहा है दोस्तों, ये ध्यान से देखते रहिए। डिटेल्स ऑफ लास्ट एग्जाम अपीयर्ड इन दिस यूनिवर्सिटी, अगर आपने इस यूनिवर्सिटी में कोई लास्ट एग्जाम और दिया है तो सिलेक्ट करना हाँ, अगर वरना नहीं दिया था नहीं, तो हमें करना नो ठीक है। उसके बाद क्योंकि फर्स्ट ईयर में है तो हमने इस यूनिवर्सिटी में और लास्ट एग्जाम नहीं दिया ठीक है, हमने दूसरी यूनिवर्सिटी से दिया है अगर सामान ठीक।
अगर दूसरी यूनिवर्सिटी से दिया है, आर यू एनरोल इन दिस यूनिवर्सिटी, अगर नहीं है तो नहीं, ठीक है, क्योंकि हम फर्स्ट ईयर में दे रहे हैं, इसलिए फर्स्ट ईयर का पढ़ रहे हैं, इसलिए नो। उसके बाद यहाँ डिटेल्स ऑफ लास्ट क्वालिफाइंग एग्जाम, और आपने बीएड से पहले कौन सा ग्रेजुएशन किया था, किस विषय में किया, संस्कृत में किया था या किस जिस भी विषय में किया था और किस यूनिवर्सिटी किया, वो यहाँ पे लिखना है। उसके रोल नंबर लिखना है, मतलब ग्रेजुएशन किया ना, ग्रेजुएशन का रोल नंबर, ऑप्टेन मार्क लिखना है यहाँ पर, ठीक है दोस्तों, ऑप्टेन मार्क, और यहाँ मैक्सिमम मार्क्स, और जहाँ से देखते रहिए, यहाँ रोल नंबर, यहाँ ऑप्टेन मार्क मतलब कितने मार्क्स प्राप्त किए और कितने में से प्राप्त किए, ठीक है, और यहाँ ईयर ऑफ पासिंग आपने किस ईयर में पास किया, और यहाँ रिजल्ट, रिजल्ट में लिखना है आप पास हो या फेल जो भी, ठीक है। ये सब कुछ लिखने के बाद आपने कौन सी यूनिवर्सिटी से किया, अगर इसी यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया है तो जहाँ रेसिस रहने लगा, और दूसरी यूनिवर्सिटी किया आप क्या लिख सकते हो, अदर यूनिवर्सिटी, ठीक है, जो भी नाम है आप देख सकते हो, MLSU, आप जिस भी यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया वो यहाँ पर डिटेल डाल देनी है आपको, ठीक है। जैसे आप डिटेल डालोगे उसके बाद आपको क्या करना है, अगर आपने ग्रेजुएशन इसी यूनिवर्सिटी से किया है तो आप इसमें भी डाल सकते हो, ठीक है। तो आपने लास्ट क्वालिफाइंग एग्जाम ग्रेजुएशन है, ग्रेजुएशन की डिटेल यहाँ पे डाल देनी है, यहाँ पे यहाँ आपको ग्रेजुएशन, ग्रेजुएशन की डिटेल डाल देनी है, ठीक है। उसके बाद क्या लिखा है, डिग्री आफ्टर ग्रेजुएशन, कि आपने डिग्री ग्रेजुएशन के बाद कोई डिग्री की है, अगर येस लिखोगे तो आगे और उसकी भी डिटेल मांगेगा, ठीक है, तो हम लिखेंगे नो। उसके बाद ये बोला स्टूडेंट आर एडवाइज, ध्यान से पढ़िए, स्टूडेंट आर एडवाइज टू चूज सब्जेक्ट अकॉर्डिंग टू सिलेबस फॉर एग्जाम 2021, कि आपके एग्जाम 2021 में जो सिलेबस हैं, इसका जो आप जिस भी कक्षा में पढ़ रहे हो क्लास में, उस उसी के सिलेबस के अनुसार आपको सब्जेक्ट चूज करना है, ऐसा नहीं सभी कर दें, ठीक है, तो अगर सभी कंपलसरी तो आपको सभी करने हैं, वरना अगर जिस जो भी आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको सब्जेक्ट सिलेक्ट करना, तो ये सभी से दिए हुए आपके जो हैं, अगर जो नहीं है उनसे टिक हटा सकते हैं आप, ठीक है, जैसे मैंने हटा दी, ठीक है, आपको जो भी है उसको सिलेक्ट कर लीजिएगा, जो नहीं है उससे टिक हटा देना है, ठीक है, समझ में आ गया आपको। उसके बाद आ गया फोटो और सिग्नेचर का अपलोड करने का टाइम, तो यहाँ चूज फाइल करेंगे, ठीक है दोस्तों, फाइल में गए, अभी देखा आपको मैं बताता हूँ, फोटो रिसाइजर ये आ गया, और मैंने फोटो अपलोड कर दिया, ठीक है दोस्तों, फोटो अपलोड हो गया। उसके बाद यहाँ विद्यार्थी के हस्ताक्षर, अभी हस्ताक्षर, ये हस्ताक्षर, तो हस्ताक्षर भी अपलोड हो गया और फोटो भी अपलोड हो गया, नीचे लिखा गया, देखो जी, तो फोटो मेरा नाम ही सेव था। उसके बाद आपको प्रोसीड पर क्लिक करना है, ठीक है दोस्तों, ध्यान से देखते रहिए। उसके बाद आपको प्रोसीड पर क्लिक करना है, जैसे आप प्रोसीड पर क्लिक करोगे तो आपके सामने पेमेंट करने का डिटेल खुल जाएगा, आप क्रेडिट कार्ड से करना चाहते हैं, डेबिट कार्ड से करना चाहते हैं, बैंक से करना चाहते हैं, ऑफलाइन, मेरे हिसाब से ऑनलाइन ही होगा जहाँ तक मुझे पता, ठीक है, तो आपको इस प्रोसीड पर क्लिक करते ही बैंक डिटेल भरनी है और बैंक में फीस ऑनलाइन पैसे जमा कराना, पेमेंट करना, ठीक है, प्रोसीड पर क्लिक करोगे, मेरे नहीं खुल रहा क्योंकि मैं ये फॉर्म आपको भरकर बताने वाला था, ठीक है, मैंने भरकर बता दिया आपको, इसमें पूरा प्रोसीड करने के बाद सिर्फ पेमेंट करना है, पेमेंट करना आप सबको आता ही होगा, क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड की डिटेल डाल सकते हैं, UPI से कर सकते हैं, जो भी ऑप्शन आगे आ रहा होगा उससे आप पेमेंट कर दीजिएगा, तो ये फॉर्म यहाँ तक ही बना, ठीक है, इसके बाद पेमेंट का ऑप्शन खुलेगा, पेमेंट करके फॉर्म कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो अधिक से अधिक लाइक और शेयर कीजिएगा, इसी प्रकार के एजुकेशनल और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, खुशियाँ बांटते रहिए।